दोस्तों मशीन्स हमारे कई सारे काम आसान कर देती है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो बिना मशीन्स के किए नहीं जा सकते। कई सारी ऐसी भी मशीन्स है जो खाने की कमाल की चीजें बनाती है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कमाल की मशीन्स दिखाएंगे जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। भाकरवड़ी मेकिंग। भाकरवड़ी खाना किसे पसंद नहीं है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इन्हें खाना पसंद करते हैं। इसे ज्यादातर नाश्ते में या फिर टाइम पास के लिए खाया जाता है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मिक्सर मशीन में भाकरवड़ी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स यानी नारियल, खसखस, सफेद तिल, आमचूर पाउडर, शुगर, इन चीजों को डाला जाता है। फिर मशीन उन्हें मिक्स करने का काम करती है। बनाए गए मिक्सर को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जिस पर पहले से ही फ्लोर की परत रखी गई होती है। आगे एक मशीन की मदद से उनका रोल बनाया जाता है। फिर उन रोल को एक मशीन द्वारा छोटे छोटे आकार में काटा जाता है। काटी गई भाकरवड़ी को एक ओवन में से गुजारते हैं, जहां आगे से भाकरवड़ी पूरी तरह से बनकर बाहर आती है और आखिर में उन्हें पैक किया जाता है। मेकिंग। एप्पल खाना बहुत से लोगों को पसंद होता है, और अगर एप्पल जूस की बात की जाए तो इसे भी लोग बड़े मजे से पीते हैं। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ख्याल आया होगा कि इन्हें आखिर बनाया कैसे जाता है। इनकी शुरुआत एप्पल से की जाती है, जहां बड़े बड़े कंटेनर्स में एप्पल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है और उन्हें पानी में अच्छी तरह से धोते हैं, जहां खराब एप्पल्स को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद मशीन तक पहुंचने से पहले उन्हें फिर एक बार कन्वेयर बेल्ट पर रखकर गर्म पानी के शॉवर में से गुजारा जाता है। फिर उन्हें एक ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें ग्राइंड करके उनका जूस तैयार करते हैं और दूसरी तरफ उनका वेस्ट बाहर निकाला जाता है। बाद में तैयार किए गए जूस को स्टील टैंक्स में भरा जाता है, जहां उनका क्वालिटी टेस्ट होता है और उनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। टेस्ट पूरा हो जाने के बाद उन्हें इन पाइप्स की मदद से बॉटल्स में भरा जाता है। बॉटल्स में जूस भरने के बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्टिकर्स लगाने के लिए भेजते हैं। उसके बाद उन्हें ब्रैकेट्स में रखकर पैकेजिंग के लिए भेजते हैं, और इस तरह एप्पल जूस पूरी तरह से बनकर तैयार। पोटैटो चिप्स एक ऐसी खाने की चीज है जिसे आजकल सभी बड़े मजे से खाते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि इन पोटैटो चिप्स को इंडियन स्टाइल से फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कुछ आलू को एक मशीन में डालते हैं, जहां उनके छिलकों को हटा दिया जाता है। उसके बाद छिले गए आलुओं को एक एक करके कटिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन कुछ ही सेकंड्स में उन्हें काटकर चिप्स का आकार देने का काम करती है। बाद में उन्हें एक रोटेटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां काटे गए पीसेस के अंदर बचे हुए पानी को निकाला जाता है। फिर उन्हें फ्राइंग के लिए ले जाया जाता है, जहां एक कर्मचारी की मदद से उन्हें फ्राई किया जाता है और कुछ ही मिनटों में चिप्स बनकर तैयार हो जाती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से कौन सी चीज पसंद आई और कौन सी चीज बनाने की प्रोसेस पसंद आई हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आगे आने वाली वीडियोस में आप कौन सी चीज बनाने की प्रोसेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।